सभी बच्चों को। मैं डॉक्टर मुक्ता, लेक्चर कॉमर्स प्लस वन अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम फिर से लेजर में जा रहे हैं। कैसे हम जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम लेजर कैसे मेंटेन करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपनी वीके पब्लिशर की बुक मित्तल एंड जैन, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 8.24 लेजर पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ स्टार्टेड बिजनेस विद द फॉलोइंग कैश फर्नीचर बिल्डिंग। आप मुझे अमाउंट लिखाते जाएंगे, पहले जर्नल एंट्रीज कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग। एसेट्स है कैश अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा, कौन बच्चा बताएगा? टू कैपिटल, शाबाश, टू कैपिटल अमाउंट कैश बोलेंगे 10,000, फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 10,000, टोटल 25,000, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग, बस इतनी। सेकेंड, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? टू कैश एंड 5% डिस्काउंट। इट्स नॉट ए ट्रेड डिस्काउंट, इट्स ए कैश डिस्काउंट, बताएंगे टू कैश डिस्काउंट, टू डिस्काउंट ओनली, डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है तभी एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री भी नहीं होती। टू डिस्काउंट, ये कौन सा डिस्काउंट है? क्रेडिट किया है, कौन सा डिस्काउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड, शाबाश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये क्या है बिजनेस के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या है? प्रॉफिट, इनकम है ना, ये हमारे लिए इनकम है, इसलिए ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो 1,000 की गुड्स हैं, 5% डिस्काउंट लगा तो कितना, 50 रुपीज डिस्काउंट के मिले, 5% ऐसे करना था, 5/100, 50 रुपीज डिस्काउंट, डिस्काउंट में 59.50 कैश में, और गुड्स कितने की थी? 1,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 5% डिस्काउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 5% डिस्काउंट। समझ गए, नरेशन समझ आ गई सभी को? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट मैम, बिल्कुल अच्छा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 500 एट 2% डिस्काउंट। गुड्स सेल की, सेल जब करते हैं हमारे पास क्या आता है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 2% डिस्काउंट भी है तो किधर आएगा डिस्काउंट? जब हम गुड सेल आउट करते हैं तो हम
डिस्काउंट रिसीव करते हैं या देखते हैं? अलाउ अलाउ करते हैं. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल. 500 की गुड्स हैं, 2% उस पर डिस्काउंट लगा मीन्स 10 रुपीज. तो डिस्काउंट में 10 रुपीज 490 की गुड्स हमने सेल आउट की. बीइंग गुड सोल्ड एट 2% डिस्काउंट. बीइंग गुड्स सोल्ड एट 2% डिस्काउंट. नरेशन फटाफट लिखेंगे बच्चे. नेक्स्ट परचेज्ड ए फैन 500 रुपीज 500 एंड अ मिरर एट रुपीज 200 फॉर द शॉप. शॉप के लिए एक फैन खरीदा और एक मिरर खरीदा. तो फैन और मिरर उस शॉप के लिए क्या है? क्या है? किसका किसका ये बंद करो, घर की आवाजें आ रही है तुम्हारी. म्यूट करेंगे अपने फोन को जब बोलना हो. अनम्यूट करो फिर एकदम से म्यूट करेंगे. श्रद्धा श्रद्धा फोन ऑन करके चली गई लड़की. मिरर और फैन उस बिजनेस के लिए क्या है? ये एसेट्स है. फैन अकाउंट डेबिट, मिरर अकाउंट डेबिट टू कैश. 500 का फैन, 200 का मिरर, 700 की वो दोनों एसेट्स. नेक्स्ट चैरिटी इन कैश. गिव चैरिटी इन कैश 101 एंड इन गुड्स 50. कैश दिया 101 रुपया और 50 रुपए का कुछ सामान दे दिया. कोई बाबा जी आए उनको चैरिटी में दे दिया, कोई आए ना उनको दान दे दिया. तो क्या क्या एंट्री बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, जो कैश आ दिया तो टू कैश. जो गुड्स दी उसकी जगह क्या लिखेंगे? टू परचेजेस. वेरी गुड. टू परचेजेस 101 एंड 51 का टोटल चैरिटी हुई. अब इनके अकाउंट्स बनाने हैं. अब इनके अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे. मैं इधर ही करती हूं. सभी के पास एंट्रीज है ना? मैं क्या इरेज कर दूं? मुझे लिखाओगे? यस मैम. चलो पहले कैश अकाउंट बनाएंगे. सबसे ऊपर कैश था, सबसे ऊपर कैश. कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर जहां जहां कैश है वहां ढूंढेंगे कैश को. कैश अकाउंट मैं इतना सा ही लिखूंगी. कैश अकाउंट डेट, डेट इसमें है ही नहीं. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट छोटा छोटा जनरल फोलियो का चाहे इधर रख लो. डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख लेना. कैश का ओपनिंग बैलेंस है 2, बैलेंस बीडी 10,000. ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको. अब ढूंढना है हमारा कैश कहाँ कहाँ है. परचेज नेक्स्ट एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो क्या होगी पोस्टिंग?
कैश को क्या किया है, क्रेडिट बाय किया है, क्रेडिट साइड में बोलेंगे बाय बाय परचेजेस। अमाउंट क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस लिख के अमाउंट कितना लिखेंगे, अमाउंट वही लिखेंगे जो जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सामने जो अमाउंट होगा। परचेजेस वाला अमाउंट नहीं लेना है, पर्टिकुलर में बाय परचेज लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे जो कैश के सामने अमाउंट था, कितना था वो, 950। शाबाश 950। नेक्स्ट कैश ढूंढेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल, टू सेल कैश के ऑपोजिट टू सेल, और अमाउंट कैश के सामने वाला बोलेंगे कितना। ये गर्ल्स बोलो फटाफट बेटा, कैश के सामने कितना अमाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल 490। 490 नहीं है, मुझे ऐसे याद है, मैंने तो रेस भी कर दी, अभी भी मुझे याद है कितना, 490 है ना। यस मैम। हाँ तो जल्दी बोलते हैं। नेक्स्ट परचेज ए फैन, फैन खरीदा, मिरर खरीदा, टू कैश बाय, कैश को क्रेडिट किया, बाय बाय फैन, बाय मिरर, फैन के आगे फैन का अमाउंट लिखो 500, 200। कंपाउंड एंट्री से कैसे लेजर बनती है, तो जो अकाउंट बन रहा है जैसे कैश अकाउंट बन रहा है, तो फैन आया, फैन अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या था, मिरर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अकाउंट बन रहा है ना। इसके ऑपोजिट क्या क्या है, कैश फैन मिरर, कैश को क्रेडिट किया है, बाय फैन बाय मिरर, और फैन के आगे जितना अमाउंट वो यहां लिखना है, मिरर के आगे जो अमाउंट वो यहां लिखना है। पूरा कितना कैश गया, 700 दिख रहा है तुम्हें। नेक्स्ट नेक्स्ट चैरिटी दी, एंट्री थी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस, टू परचेजेस 110, 101 and 50, 151। तो कैश अकाउंट बन रहा है, तो बाय बाय करेगा, बाय बाय चैरिटी, अमाउंट कितना लिखेंगे बच्चे, अमाउंट कितना लिखना है, 101। अब आपने इसको बैलेंस करना है, 10490, दूसरी तरफ ही लिख रहे हैं 10490 बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी 10490 15। फटाफट करेंगे, उधर भी आप भी करेंगे, मैम के इस बोर्ड को ही नहीं देखना है, अपने आप करना है। 17, 9, 3, 7, 8, 9, 3, 7, 8, इतना ही आया ना। हाँ कितना बैलेंस आया, 8739 रुपीज, और इसको इधर लाके छोड़ना है, टू बैलेंस बीडी 8739। ये है आपका कैश अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है हमेशा एसेट्स का, तो ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है 5000। और कुछ फर्नीचर खरीदा और कुछ नहीं खरीदा, इसलिए इसको क्लोज करेंगे, 5000 इधर भी 5000 बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी
5000, इसको इधर लाएंगे, टू बैलेंस बीडी 5000 याद, और इसको हम ट्रायल बैलेंस भी मैं इधर बनाती जाती हूँ, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस, कैश अकाउंट 8739, फर्नीचर अकाउंट 5000, नेक्स्ट अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट सेम, बिल्डिंग भी टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 10000, 10000 को क्लोज करेंगे, और कुछ भी बिल्डिंग का से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है मुझे दिख रहा है, बाय बैलेंस सीडी 10000, टू बैलेंस बीडी 10000, यहां बिल्डिंग भी आ गया, बिल्डिंग अकाउंट 10000। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा, इधर ही बना देती हूं मैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस सीडी बीडी, बाय बैलेंस बीडी 25000 क्लोज करेंगे, 25000 दोनों साइड लिखेंगे, नीचे डबल लाइन से क्लोज करेंगे, टू बैलेंस सीडी 25000, बाय बैलेंस बीडी 25000, यहां कैपिटल अकाउंट आ गया, कैपिटल अकाउंट 25000 क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट बनाएंगे आप हम, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हम इसको जैसे फर्नीचर में कुछ चेंज नहीं हुआ था, बिल्डिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ था, कैपिटल में कुछ चेंज नहीं हुआ था और ओपनिंग बैलेंस थे, तो हम इनको ना भी बनाते डायरेक्ट फर्नीचर 5000, बिल्डिंग 10000, कैपिटल 25000 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उनसे रिलेटेड नीचे एक भी जनरल एंट्री हो तो वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कैश, कैश का भी वैसे ओपनिंग बैलेंस था लेकिन आगे बहुत सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी, इसलिए कैश अकाउंट दोबारा से हमें ड्रॉ करना पड़ा, बनाना पड़ा और उसका फिर बैलेंस निकाल के यहाँ पे आया। लेकिन फर्नीचर, कैपिटल और बिल्डिंग नीचे तक उसके रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी तो हम डायरेक्ट भी तीनों को लिख सकते थे, लेकिन बना लिया तो कोई गलत नहीं करेगा, बना भी लिया तो भी कोई गलत नहीं करेगा, पता लगता है कैसे कैसे बनते हैं। अब परचेज अकाउंट बनाते हैं हम, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ढूंढ के रखो एंट्रीज, एंट्रीज ढूंढ के रखो, परचेज से रिलेटेड एंट्रीज ढूंढ के रखनी है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे बच्चे। नेक्स्ट करते हैं परचेज अकाउंट, परचेज की थी गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश टू डिस्काउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है तो टू कैश, उसके ऑपोजिट क्या क्या है, टू कैश टू डिस्काउंट, टू कैश टू डिस्काउंट 50 रुपीज, 950 कैश के आगे कैश का और डिस्काउंट पूरा, और परचेज कितने की थी 1000, तो पूरा 1000 हो गया यहां पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, और दूसरी तरफ एक और परचेज से रिलेटेड है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज, तो बाय टू परचेज, परचेज को क्रेडिट किया है तो बाय उसको ऑपोजिट क्या है, चैरिटी, बाय चैरिटी, और गुड्स कितने की दी थी 50 रुपीज की, तो ये 50 रुपीज की गुड्स दे दी,
और परचेज से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं है, तो इसको 1000 1000 और ये क्या करेंगे अब, इसका बैलेंस क्या करेंगे? याद होगा बच्चों को, परचेज अकाउंट है, इसके बैलेंस को क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। ए बाय, और कोई बोलो, बाय बोलो बोलो, अब तो पढ़ के बोल दो, बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ऑल नॉमिनल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। 950 ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, तो ये परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही है, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस निकला, तो ये डेबिट साइड में 950 इधर आ गया। परचेज के बाद कैश का बन चुका है और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट वाला है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड बाय क्या आएगा? बाय परचेज, शाबाश, बाय परचेज अकाउंट अमाउंट 50 रुपीज और डिस्काउंट अलाउड की कोई भी वो नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो इधर लिख देंगे टू, क्या होगा? ट्रांसफर्ड टू किसको, किस में ट्रांसफर होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड किस अकाउंट में, किस में ट्रांसफर करते हैं इनको? ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50, डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस, तो ये 50 रुपीज इधर आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। नेक्स्ट कौन सी एंट्री है? नेक्स्ट कैश भी था, कैश भी बन गया, परचेज भी बन गया, कैश भी बन गया, डिस्काउंट रिसीव्ड भी बन गया। नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डिस्काउंट अलाउड कैश का बन चुका है तो डिस्काउंट अलाउड का बनेगा। एक एक को पकड़ते जाते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, उसके ऑपोजिट क्या लिखा है, क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल, डिस्काउंट अलाउड के ऑपोजिट क्या लिखा है? टू सेल। हाँ, तो पर्टिकुलर में वो चीज आती है टू सेल, 10 रुपीज और कुछ नहीं है, बैलेंस करेंगे 10 10 क्लोज, और ये बाय बाय ट्रांसफर्ड टू, बाय ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ पी एंड एल अकाउंट, बाय ट्रांसफर्ड टू पी एल एंड एल अकाउंट 10 रुपीज, बैलेंस कौन सा निकला, बैलेंस कौन सा निकला? डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 10 रुपीज। नेक्स्ट सेल अकाउंट बनेगा, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है हमारे पास, एक ही एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल, सेल अकाउंट बन रहा है टू सेल, तो सेल को क्रेडिट किया है, किस तरफ एंट्री होगी?
किस तरह का नहीं हो? बाय कैश बाय अकाउंट है कैश बैंक इसका। अकाउंट। और देखो इसमें 500 का है, 10 है, 490 का है। ये 500 पूरे करने होते हैं तो कैसे होंगे पूरे? बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड 490 और 10। बाय कैश अकाउंट 490, बाय डिस्काउंट अलाउड 10। बैलेंस करेंगे 500, 500 क्लोज भी कर देंगे बराबर साथ में। यहां के लिखे टू ट्रांसफर टू 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 ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। शाबाश, ट्रेडिंग अकाउंट। टू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 500। सेल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब फैन अकाउंट बना लेंगे। फैन अकाउंट फर्नीचर ही था वैसे, फर्नीचर में भी ऐड कर सकते हैं लेकिन लग भी बना सकते हैं। टू कैश, फैन अकाउंट डेबिट, दोनों इकट्ठे बना लेते हैं। यहां पे मिरर भी बना लेते हैं, मिरर अकाउंट। टू कैश 500, 200 बैलेंस करेंगे। 200, 200 बाय बैलेंस एसेट है, बाय बैलेंस सीडी 200, टू बैलेंस बीडी 200, इसको भी क्लोज करेंगे 500, 500 बाय बैलेंस सीडी 500, टू बैलेंस बीडी 500। अब क्या क्या हमने अलाउड तक कर दिया? सेल अकाउंट, यहाँ पे सेल अकाउंट 500, फैन अकाउंट एसेट है 500, मिरर अकाउंट एसेट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 200, एंड लास्ट वन इज चैरिटी अकाउंट। लास्ट वन इज चैरिटी अकाउंट। बनाएंगे चैरिटी अकाउंट। चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट यहां पे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट बन रहा है उसको डेबिट किया है। टू कैश टू परचेजेस, चैरिटी कितने की दी? 151 की दी, 101 का कैश, 50 रुपीज परचेजेस गुड्स थी, इसको बैलेंस करेंगे 151, 151 क्लोज क्लोज। और ये कहाँ ट्रांसफर का क्या करेंगे? इसका बैलेंस सीडी निकालेंगे कि ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है एक तरह का। बाय ट्रांसफर्ड टू, बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में उन्हीं को जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये चैरिटी अदर है, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, तो 151। तो चैरिटी इधर आ जाएगी, चैरिटी का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, एक तरह एक्सपेंस है, और 151 यहाँ पे आ जाएगा। और अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो देखना ये एकदम क्या आएगा, बराबर आएगा 9, 1, 0, 5, 6, 11, 14 and 15, 1, 9, 18, 18 और 5, 23 और 31, ना सॉरी गलत चली गई, 9, 9, 18, 18 और 7, 25, 2, ट्वेंटी
25,550. ये डबल एंट्री सिस्टम के कारण ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करता है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का जो डबल इफेक्ट है उसके कारण ही डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करते हैं। मतलब हमने कोई भी इसमें इसको बनाती बार हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की, ये शो करता है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेकिन कुछ एरर ऑफ ओमिशन होते हैं उसके कारण ट्रायल बैलेंस मैच भी कर जाता है फिर भी हमें पता नहीं चलता, हम मैच करता देखते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ एरर्स हो सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने डबल एंट्री सिस्टम को फुली फॉलो किया है, इसलिए हमारा ये ट्रायल बैलेंस आपस में पूरी तरह से मैच किया।